कर रहा हूँ। जी आप वो जैसे कल किया था ना आपने कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर शुभमंगला जी के साथ ऐसे। भी हम लाइव है। आप अभी चालू कर सकती हो ओके शुभ बंगला जी। हाँ हरिओम। मैं वैद्य शुभ मंगला आचार्य आयुर्वेदिक परंपरागत स्वास्थ्य संबंधी शरद ऋतु की नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हिमालय की गोद में माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हुए आज लोकायुर्वेद कॉन्सेप्ट बेस्ड नवरात्रि का द्वितीय दिवस नवदुर्गा के दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को शत शत वंदन करती हूँ। भावपूर्ण हमारी भक्ति अर्पण करते हुए कार्यक्रम के शुरुआत मैं धन्वंतरी स्तवन से करती हूँ। अब धन्वंतरी स्तवन शुरू करेंगे। ओम शंखम चक्रम जलौकम दधतम अमृत कुंभम चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छाति हृद्यम सुख परिविलसनम मौलिम अम्बोचनेत्रम कालाम्बोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसनं चारुपीताम्बराध्यं वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदाहाग्निनीलं वंदे धन्वंतरिं वंदे। थैंक यू। मैं वैद्य शुभमंगल आचार्य बेंगलोर से हूँ। मैं लोकायुर्वेद से कर्नाटक स्टेट की प्रतिनिधि हूँ। मैं कर्नाटक के आजूबाजू के क्षेत्र में आयुर्वेद शास्त्र के स्वास्थ्य के जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स के प्रचार में सक्रिय हूँ। अब बैलेंस के बारे में दो शब्द जानी जी, जो एक निष्णात आयुर्वेद तज्ञ है और एक अद्भुत आयुर्वेदिक स्टाइल के नवरात्रि उत्सव समारोह के प्रणेता है। आज के हमारा विशेष अतिथि माननीय श्री सुनील मान सिंह का जी, जो गौज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापुरा नागपुर के समन्वयक है, वे भी जुड़े हैं। और बरसाना मथुरा के भारत के स्पेशल एनजीओ श्री जी चंद्रमोहन जी जुड़े हैं। शरद ऋतु में उपयोग योगा स्टाइल बताने के लिए हिमांगी बेन दवे योग विशेषज्ञ जामनगर से जुड़े हैं। और नवरात्र के उत्सव माँ की भक्ति से भक्ति के बिना तो अधूरा है, तो आगे सुनेंगे भूमि जी रावल संगीत विशारद के शरद ऋतु में योग राग। इस इस महामारी के समय प्रथम ऐसे शतम आयुर्वेदिक जो दुनिया में पहली बार आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर है वो जो राजकोट में है, सो उसके आज हमें हम सुनेंगे एक आयुर्वेदिक नेत्र तज्ञ डॉक्टर हेमांग शाह के एक्सपीरियंस और कोरोना सक्सेस स्टोरीज हमारे दो पेशेंट्स की जुबानी। आप सब विशेष अतिथि और पैनलिस्ट और व्यूअर्स को सबको स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारी पूरी कोशिश है आप तक अपनी बात निर्विघ्न पहुंचाए, बीच में नेटवर्क इश्यू के लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। नीलम जी जी तो चलो कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। कल वैसे पहले दिन की नवरात्रि की बहुत अच्छा सत्र रहा और आगे फिर से आज थोड़े सब जो भी हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उनका फिर से एक इंट्रोडक्शन करते हैं। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, शरद ऋतु की नवरात्रि के त्योहार को किस तरह से आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने हमारे स्वास्थ्य से जोड़ा था, उस नवरात्रि के पीछे के स्वास्थ्य की कहानी को कंटिन्यू करते हुए आइए सुनते हैं हम सबके आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी की जुबानी। उनका ये इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो एक निष्णात आयुर्वेदाचार्य प्रिंसिपल रह चुके हैं। वैसे तो सर के बारे में बताने की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आज इस कोरोना महामारी में अपना सारा समय वे शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर राजकोट में डॉक्टर की टीम के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पंचगव्य कामधेनु आयोग गवर्नमेंट अप्रूव प्रोटोकॉल तहत
आयुर्वेदिक दवाओं से 5 से 10 के प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र को फिर से अपना स्थान पूरी दुनिया के सामने प्रस्थापित किया है, न सिर्फ ट्रीट किया है बल्कि ड्राई जिंजर की सिंपल सी थेरेपी से लाखों लोगों को कोरोना से प्रिवेंट भी किया है। वैसे तो जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि ते सर पिछले 18 वर्षों से माँ दुर्गा की उपासना करते हुए 9 दिन मौन रहते हैं और ग्रंथ अध्ययन करते हैं और 10वें दिन समाज को अपने आयुर्वेद के बारे में हर बार नया संदेश देते हैं। लेकिन इस बार कोविड केयर के सेंटर की व्यवस्था के कारण उन्होंने इस बार की नवरात्रि के 9 दिन मौन न करने का निश्चय किया और उसके बजाय नवरात्रि के इस पावन अवसर को आयुर्वेदिक संबंध को हमें बताने का संकल्प किया है। नवरात्रि की हर देवी का किसी न किसी आयुर्वेदिक औषधि के साथ संबंध है। कल हमने पहले दिवस की देवी माँ शैलपुत्री हरितकी की महिमा की देवी ब्रह्मचारिणी के औषध के बारे में बताएंगे सर। ओवर टू डॉक्टर हितेश जानी जी। सभी को नमस्कार, खास करके जो हमारे सीनियर हमारे मार्गदर्शक माननीय सुनील जी है, चंद्रमोहन जी जो भारत की एक बड़ी गौशाला जो बरसाती है, उसका परिचय होगा ही, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि एक बड़ा इंजीनियर तो भारत की गो विज्ञान को कैसे ले जाके दुनिया के सामने रख सकता है वो तो थोड़ा खुद ही बताएंगे। वो मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। वो मेरी पूरी टीम लोकायत की है, हमारी जामनगर की योगाचार्य हेमान जी है या तो फिर हमारी भूमि है, तो ऐसा जो भी पैनलिस्ट है हमारे साथ आज, खास करके जो डॉक्टर हेमंग तो मास्टर आयुर्वेदाचार्य है, अनुस्नातक आचार्य है, लेकिन उनकी जो अपनी एक क्षमता है रिसर्च करने के लिए, तो मेरा पूरा कोरोना का जो काम है हमारी टीम कर रही है उसका, वो रिसर्च का ऑफिसर है, रिसर्च इंचार्ज है, सुपरिटेंडेंट है, और वो बखूबी अपने पेशेंट के थ्रू क्या काम कर रहे हैं बताएंगे। तो वे इतना सबको याद करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी जो आज हमारी द्वितीय नवरात्रि है, द्वितीय नवरात्रि के दिन माता ब्रह्मचारिणी को हम याद करेंगे। जैसे नीलम ने बताया अभी कि हम माता की अर्चना तो करते हैं, पूजा करते हैं, इस बार सामूहिक पूजा अर्चना डांडिया रास गरबा हम नहीं कर सकते हैं कोरोना के वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी जब सोच हम सब मिलकर कर रहे थे तब हमारी टीम ने सुझाव दिया कि सर अपना एक आप खुद तो हर बार अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अनुष्ठान के साथ साथ आप हमें अभी कुछ और बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अनुष्ठान व्यक्तिगत नहीं होगा, इस बार हम सामूहिक अनुष्ठान करके कुछ आयुर्वेद की सेवा करेंगे। तो जैसा शुरू में ही बताया गया आपको कि एक एक दिन जो माता की पूजा हम करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन उसका जो मार्कंडेय पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है, तो वो उसी मार्कंडेय जी को समझाते हुए एक एक दिन की माता का मूल स्वरूप भी एक बता दिया जो आरोग्य के साथ संबंधित है। तो आज माता ब्रह्मचारिणी की उपासना हम सब कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है ब्राह्मी, वो जो वनस्पति है। ब्राह्मी के बारे में भारत का आदमी नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जो पित्त का विकार इस समय हो रहा है, ये शरद ऋतु ओगाणम शारदी माता धूप बहुत आती है इस समय, और ये धूप क्योंकि पृथ्वी का कोण तिरछा होने की वजह से सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा आती है और खून उबलता है, तो उस समय रक्त और पित्त के व्याधि बहुत होते हैं। तो रुधिर का विकारों को नाश करने वाली, स्वर को मधुर करने वाली ये ब्राह्मी, उसको सरस्वती भी बोला जाता है। मन को शक्ति देने के लिए उनकी जो क्षमता है, साथ साथ वो मूत्र मार्ग की भी बहुत दवा है, क्योंकि इस समय डायूरेसिस होना बहुत जरूरी है और नहीं तो किडनी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है। तो इस समय जो द्वितीय नवरात्रि में हम ब्राह्मी को याद करेंगे, ब्राह्मी एक ऐसी वनस्पति है जो
क्षुप वर्ग में भी नहीं आती, वो एक घास फूस जैसे हम लोग उसके ऊपर से चल के चले जाते हैं, पता ही नहीं इतनी वो भगवान ने हमको दी। हाँ, लेकिन वो होती है जहाँ जल होता है। हाँ, तो जल जहाँ रहेगी उसका मूल स्थान है पानी, इसको नील ब्राह्मी भी कहते हैं। और जहाँ गंगा और यमुना के, हिमालय की जो तराई है, गंगा यमुना के ब्रह्मपुत्र के प्रदेशों में सबसे ज्यादा होती है, कहीं भी नहर में, नालों में, झरनों के पास वहां होती है। भारत में शायद बाकी मिले न मिले, लेकिन गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र के किनारों में 12 महीना मिलती है। तो ये ब्राह्मी, उसका अगर थोड़ी क्षार के बारे में, उसकी अल्कोहल की बारे में चर्चा करें तो वो मस्तिष्क पर प्रभाव करने वाला मस्तिष्क टोनिक है। मस्तिष्क जो न्यूरॉन्स है उसको थोड़ा शांत करता है। लगातार जो मेंटल वर्क करते हैं, गुस्सा करते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, संगीत का काम करते हैं, लिखते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, टीचर है, तो ऐसे सब लोगों को फिजिकल से ज्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे समय में ब्राह्मी उसमें बहुत आवश्यक है। और इसी ऋतु में, शरद ऋतु में, जो कल भी मैंने बताया था कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ने से कभी हेमरेज होता है, गुस्सा आता है, इसी ऋतु में हमारा मन का कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे स्थिति में स्नायु को और खास करके जो न्यूरॉन्स को वो ठीक करके स्फूर्ति का अनुभव कराती है। आज मैं इतना ही इसके बारे में बताऊंगा। और ब्राह्मी जो है द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो उसकी हम पूजा करेंगे। तो मुझे लगता है मैंने आज की वनस्पति के बारे में जिसकी पूजा करनी है वो आपके सामने मैंने रखा है। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल स्पीच। आपने जो ब्राह्मी ब्रह्मचारिणी जी माता के बारे में बताया और उनकी औषधि ब्राह्मी के बारे में बताया। आगे बढ़ते हुए हम योगा एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। योग का एक लक्ष्य है मन, तन, चित्त, बुद्धि, आत्मा की स्वस्थता और उसकी एक रूपता। हमारी अगली वक्ता जो है वो है हिमांगी बेन दवे। उन्होंने बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में अभ्यास किया है और एक योग प्रशिक्षा है। इस नवरात्रि के दूसरे अवसर पर योग के माध्यम से आदि शक्ति को समर्पित होकर हमें शरद ऋतु में प्राणायाम, आसन और अन्य ट्रिप्स द्वारा पित्त शमन के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू हिमांगी बेन दवे जी। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और नवरात्रि और लोकायुर्वेद के इस प्रकल्प में हम आज बात करेंगे नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी और योग के बारे में, शरद ऋतु के योग के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र की देवी है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, उसमें से स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो पंच तत्व के अंदर से जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारा जो शरीर है वो इस ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है, मिनिएचर है। तो जितना भी हम कुछ संसार में, मतलब यूनिवर्स में देखते हैं, वही सब हमारे शरीर में भी है। तो उसमें से 5 तत्व है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। आप देख सकते हैं हमारी 5 उंगलियां जो है वो इस पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर साधना करने से, अभ्यास करने से हम हमारे शरीर के अंदर जल तत्व को बैलेंस कर सकते हैं और जल तत्व को बैलेंस करने से अपने आप ही सारे पंच तत्व बैलेंस होंगे और त्रिदोष का शमन होगा, मतलब कि पित्त, कफ और वायु तीनों का शमन होगा। शरद ऋतु में स्पेशली पित्त की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम थोड़ा जो मैं आपको आसन मुद्रा और वगैरह बताऊंगी, प्राणायाम, वो उसी के संबंधित रहेंगे। जो पित्त शमन के लिए और स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए जो आसन हम है करते हैं वो है पश्चिमोत्तानासन, जानुशीरासन, मार्जरासन, त्रिकोणासन, सेतुबंधासन, उपविष्ट कोणासन,
और भी जो भी हम ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, सुप्त बद्ध कोणासन, प्रसारित पाद कोणासन, चक्की चालनासन वगैरह आसन से स्वाधिष्ठान चक्र हमारा जागृत होता है। मुद्रा की बात करें तो स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए योनि मुद्रा, जो कि स्पेशली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ग्लैंड का जो कार्य है उसका नियमन करते हैं, उसको एफिशिएंट बनाता है। वरुण मुद्रा यानी कि जो लिटिल फिंगर है और थंब उसको कनेक्ट करके आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूड को रेगुलेट करता है और स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ ही में पित्त का शमन करते हुए शरीर के अंदर ठंडक पैदा करता है। तीसरी मुद्रा की आज हम जो बात करेंगे वो है ध्यानी मुद्रा। हमारे माइंड और पहली स्वाधिष्ठान चक्र जो है नाभि स्थान से 3 उंगलियां नीचे उसका स्थान माना जाता है, लेकिन हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का हमारे मन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव है। स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने से, उसको जागृत करने से हम हमारे मन का नियमन कर सकते हैं। एक तरह से हम देखने जाए तो अभी चालू कर रहा हूँ जी, वो जैसे कल किया था ना आपने कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर शुभ मंगला जी के साथ ऐसे। भी हम लाइव है। आप अभी चालू कर सकती हो। ओके। शुभ मंगला हाँ। जी हरिओम, मैं वैद्य शुभ मंगला आचार्य आयुर्वेदिक परंपरागत स्वास्थ्य संबंधी शरद ऋतु की नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हिमालय की गोद में माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हुए आज लोकायुर्वेद कॉन्सेप्ट बेस्ड नवरात्रि का द्वितीय दिवस नवदुर्गा के दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को शत शत वंदन करती हूँ। भावपूर्ण हमारी भक्ति अर्पण करते हुए कार्यक्रम के शुरुआत मैं धन्वंतरी स्तवन से करती हूँ। अब धन्वंतरी स्तवन शुरू करेंगे। शंखं चक्रं जलौकं दधतममृतकुम्भं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं सुखपरिविलसनं मौलिम् अम्बोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसनं चारुपीताम्बराध्यम् वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदाहाग्निनीलं वंदे धन्वंतरिं वंदे। थैंक यू। मैं वैद्य शुभमंगलाचार्य बेंगलोर से हूँ। मैं लोकायुर्वेद से कर्नाटक स्टेट की प्रतिनिधि हूँ। मैं कर्नाटक के आजूबाज के क्षेत्र में आयुर्वेद शास्त्र के स्वास्थ्य के जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स के प्रचार में सक्रिय हूं। अब बैलेंस के बारे में दो शब्द जानी जी, जो एक निष्णात आयुर्वेद तज्ञ है और एक अद्भुत आयुर्वेदिक स्टाइल के नवरात्रि उत्सव मना समारोह के प्रणेता है। आज के हमारा विशेष अतिथि माननीय श्री सुनील मान सिंह का जी, जो गौज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापुरा नागपुर के समन्वयक है, बेबी जुड़े हैं और वरसाना मथुरा के भारत के स्पेशल एनजीओ श्री जी चंद्रमोहन जी जुड़े हैं। शरद ऋतु में उपयोग योगा स्टाइल बताने के लिए हिमांगी बेन दवे योग विशेषज्ञ जामनगर से जुड़े हैं और नवरात्र के उत्सव माँ की भक्ति के बिना तो अधूरा है, तो आगे सुनेंगे भूमि जी रावल संगीत विशारद के शरद ऋतु में योग राग। इस महामारी के समय प्रथम ऐसे शतम आयुर्वेदिक जो दुनिया में पहली बार आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर है वो जो राजकोट में है, सो उसके आज हमें हम सुनेंगे एक आयुर्वेदिक नेत्र तज्ञ डॉक्टर हेमांग शाह के एक्सपीरियंस और कोरोना सक्सेस स्टोरीज हमारे दो पेशेंट्स के जुबानी। आप सब विशेष अतिथि और पैनलिस्ट और व्यूअर्स को सबको स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारी पूरी कोशिश है आप तक अपनी बात निर्विघ्न पहुंचाए, बीच में नेटवर्क इश्यू के लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। ओवर टू यू।
नीलम जी जी जी, तो चलो कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। कल वैसे पहले दिन की नवरात्रि की बहुत अच्छा सत्र रहा, और आगे फिर से आज थोड़े सब जो भी हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उनका फिर से एक इंट्रोडक्शन करते हैं। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, शरद ऋतु की नवरात्रि के त्योहार को किस तरह से आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने हमारे स्वास्थ्य से जोड़ा था, उस नवरात्रि के पीछे के स्वास्थ्य की कहानी को कंटिन्यू करते हुए आइए सुनते हैं हम सबके आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी की जुबानी। उनका ये इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो एक निष्णात आयुर्वेदाचार्य प्रिंसिपल रह चुके हैं। वैसे तो सर के बारे में बताने की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आज इस कोरोना महामारी में अपना सारा समय वे शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर राजकोट में डॉक्टर की टीम के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पंचगव्य कामधेनु आयोग गवर्नमेंट अप्रूव प्रोटोकॉल तहत आयुर्वेदिक दवाओं से 5 से 10 के प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र को फिर से अपना स्थान पूरी दुनिया के सामने प्रस्थापित किया है। न सिर्फ ट्रीट किया है बल्कि ड्राई जिंजर की सिंपल सी थेरेपी से लाखों लोगों को कोरोना से प्रिवेंट भी किया है। वैसे तो जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूंगी, हितेश सर पिछले 18 वर्षों से माँ दुर्गा की उपासना करते हुए 9 दिन मौन रहते हैं और ग्रंथ अध्ययन करते हैं, और 10वें दिन समाज को अपने आयुर्वेद के बारे में हर बार नया संदेश देते हैं। लेकिन इस बार कोविड केयर के सेंटर की व्यवस्था के कारण उन्होंने इस बार की नवरात्रि के 9 दिन मौन न करने का निश्चय किया, और उसके बजाय नवरात्रि के इस पावन अवसर को आयुर्वेदिक संबंध को हमें बताने का संकल्प किया है। नवरात्रि की हर देवी का किसी न किसी आयुर्वेदिक औषधि के साथ संबंध है। कल हमने पहले दिवस की देवी माँ शैलपुत्री हरितकी की महिमा की देवी ब्रह्मचारिणी के औषध के बारे में बताएंगे सर। ओवर टू डॉक्टर हितेश जानी जी। सभी को नमस्कार, खास करके जो हमारे सीनियर हमारे मार्गदर्शक माननीय सुनील जी है, चंद्रमोहन जी जो भारत की एक बड़ी गौशाला जो बरसाती है, उसका परिचय होगा ही, लेकिन मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ कि एक बड़ा इंजीनियर तो भारत की गोविज्ञान को कैसे ले जाके दुनिया के सामने रख सकता है वो तो थोड़ा खुद ही बताएंगे। वो मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, वो मेरी पूरी टीम लोकायत की है, हमारी जामनगर की योगाचार्य है, मांगी है, या तो फिर हमारी भूमि है, तो ऐसा जो भी पैनलिस्ट है हमारे साथ आज, खास करके जो डॉक्टर हेमंग तो मास्टर आयुर्वेदाचार्य है, अनुस्नातक आचार्य है, लेकिन उनकी जो अपनी एक क्षमता है रिसर्च करने के लिए, तो मेरा पूरा कोरोना का जो काम है हमारी टीम कर रही है उसका, वो रिसर्च का ऑफिसर है, रिसर्च इंचार्ज है, सुपरिटेंडेंट है, और वो बखूबी अपने पेशेंट के थ्रू क्या काम कर रहे हैं बताएंगे। तो वे इतना सबको याद करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी जो आज हमारी द्वितीय नवरात्रि है, द्वितीय नवरात्रि के दिन माता ब्रह्मचारिणी को हम याद करेंगे। जैसे नीलम ने बताया अभी कि हम माता की अर्चना तो करते हैं, पूजा करते हैं, इस बार सामूहिक पूजा अर्चना डांडिया रास गरबा हम नहीं कर सकते हैं कोरोना के वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी जब सोच हम सब मिलकर कर रहे थे तब हमारी टीम ने सुझाव दिया कि सर अपना एक आप खुद तो हर बार अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अनुष्ठान के साथ साथ आप हमें अभी कुछ और बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अनुष्ठान व्यक्तिगत नहीं होगा, इस बार हम सामूहिक अनुष्ठान करके कुछ आयुर्वेद की सेवा करेंगे। तो जैसा शुरू में ही बताया गया आपको कि एक एक दिन
जो माता की पूजा हम करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन उसका जो मार्कंडेय पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है, तो वो उसी मार्कंडेय जी को समझाते हुए एक एक देवी की माता का मूल स्वरूप भी एक बता दिया जो आरोग्य के साथ संबंधित है। तो आज माता ब्रह्मचारिणी की उपासना हम सब कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है ब्राह्मी, वो जो वनस्पति है। ब्राह्मी के बारे में भारत का आदमी नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जो पित्त का विकार इस समय हो रहा है, ये शरद ऋतु गोगणम शारदी माता धूप बहुत आती है इस समय, और ये धूप क्योंकि पृथ्वी का कोण तिरछा होने की वजह से सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा आती है और खून उबलता है, तो उस समय रक्त और पित्त के व्याधि बहुत होते हैं। तो रुधिर का विकारों को नाश करने वाली, स्वर को मधुर करने वाली ये ब्राह्मी, उसको सरस्वती भी बोला जाता है। मन को शक्ति देने के लिए उनकी जो क्षमता है, साथ साथ वो मूत्र मार्ग की भी बहुत दवा है, क्योंकि इस समय डायूरेसिस होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो किडनी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है। तो इस समय जो द्वितीय नवरात्रि में हम ब्राह्मी को याद करेंगे, ब्राह्मी एक ऐसी वनस्पति है जो क्षुप वर्ग में भी नहीं आती, वो एक घास फूस जैसे हम लोग उसके ऊपर से चल के चले जाते हैं, पता ही नहीं इतनी वो भगवान ने हमको दी। हाँ, लेकिन वो होती है जहाँ जल होता है। हाँ, तो जल जहाँ रहेगी उसका मूल स्थान है पानी, इसको नील ब्राह्मी भी कहते हैं, और जहाँ गंगा और यमुना के, हिमालय की जो तराई है, गंगा यमुना के ब्रह्मपुत्र के प्रदेशों में सबसे ज्यादा होती है, कहीं भी नहर में, नालों में, झरनों के पास वहां होती है। भारत में शायद बाकी मिले न मिले, लेकिन गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र के किनारों में 12 महीना मिलती है। तो ये ब्राह्मी, उसका अगर थोड़ी क्षार के बारे में, उसकी कैलकुलेट की बारे में चर्चा करें, तो वो मस्तिष्क पर प्रभाव करने वाला मस्तिष्क टोनिक है, मस्तिष्क जो न्यूरॉन्स है उसको थोड़ा शांत करता है। लगातार जो मेंटल वर्क करते हैं, गुस्सा करते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, संगीत का काम करते हैं, लिखते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, टीचर है, तो ऐसे सब लोगों को फिजिकल से ज्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे समय में ब्राह्मी उसमें बहुत आवश्यक है। और इसी ऋतु में, शरद ऋतु में, जो कल भी मैंने बताया था कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ने से कभी हेमरेज होता है, गुस्सा आता है, इसी ऋतु में हमारा मन का कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसे स्थिति में स्नायु को और खास करके जो न्यूरॉन्स को वो ठीक करके स्फूर्ति का अनुभव कराती है। आज मैं इतना ही इसके बारे में बताऊंगा, और ब्राह्मी जो है द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो उसकी हम पूजा करेंगे। तो मुझे लगता है मैंने आज की वनस्पति के बारे में जिसकी पूजा करनी है वो आपके सामने मैंने रखा है। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल स्पीच। आपने जो ब्राह्मी ब्रह्मचारिणी जी माता के बारे में बताया और उनकी औषधि ब्राह्मी के बारे में बताया, आगे बढ़ते हुए हम योगा एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। योग का एक लक्ष्य है मन, तन, चित्त, बुद्धि, आत्मा की स्वस्थता और उसकी एक रूपता। हमारी अगली वक्ता जो है वो है हिमांगी बेन दवे। उन्होंने बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में अभ्यास किया है और एक योग प्रशिक्षा है। इस नवरात्रि के दूसरे अवसर पर योग के माध्यम से आदि शक्ति को समर्पित होकर हमें शरद ऋतु में प्राणायाम, आसन और अन्य ट्रिप द्वारा पित्त शमन के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू हिमांगी बेन दवे जी। नमस्कार, शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और नवरात्रि और लोकायुर्वेद के इस प्रकल्प में हम आज बात करेंगे नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी और योग के बारे में, शरद ऋतु के योग के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र की देवी है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, उसमें से स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो पंच तत्व के अंदर से जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारा जो शरीर है वो इस ब्रह्मांड का ही एक
सूक्ष्म स्वरूप है, मिनिएचर है। तो जितना भी हम कुछ संसार में मतलब यूनिवर्स में देखते हैं वही सब हमारे शरीर में भी है। तो उसमें से पांच तत्व है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। आप देख सकते हैं हमारी पांचों उंगलियां जो है वो इस पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर साधना करने से, अभ्यास करने से हम हमारे शरीर के अंदर जल तत्व को बैलेंस कर सकते हैं और जल तत्व को बैलेंस करने से अपने आप ही सारे पंच तत्व बैलेंस होंगे और त्रिदोष का शमन होगा, मतलब कि पित्त, कफ और वायु तीनों का शमन होगा। शरद ऋतु में स्पेशली पित्त की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम थोड़ा जो मैं आपको आसन मुद्रा और वगैरह बताऊंगी प्राणायाम वो उसी के संबंधित रहेंगे। जो पित्त शमन के लिए और स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए जो आसन हम है करते हैं वो है पश्चिमोत्तानासन, जानुशीरासन, मार्जरासन, त्रिकोणासन, सेतुबंधासन, उपविष्ट कोणासन और भी जो भी हम ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, सुप्तबद्ध कोणासन, प्रसारित पाद कोणासन, चक्की चालनासन वगैरह आसन से स्वाधिष्ठान चक्र हमारा जागृत होता है। मुद्रा की बात करें तो स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए योनि मुद्रा, जो कि स्पेशली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ग्लैंड का जो कार्य है उसका नियमन करते हैं, उसको एफिशिएंट बनाता है। वरुण मुद्रा यानी कि जो लिटिल फिंगर है और थंब उसको कनेक्ट करके आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूड को रेगुलेट करता है और स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ ही में पित्त का शमन करते हुए सिर के अंदर ठंडक पैदा करता है। तीसरी मुद्रा की आज हम जो बात करेंगे वो है ध्यानी मुद्रा। हमारे माइंड और पहली स्वाधिष्ठान चक्र जो है नाभि स्थान से तीन उंगलियां नीचे उसका स्थान माना जाता है, लेकिन हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का हमारे मन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव है। स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने से, उसको जागृत करने से हम हमारे मन का नियमन कर सकते हैं। एक तरह से हम देखने जाए तो